प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने अपनी घोषणा में कहा कि कोई प्रत्याशी या किसी भी पार्टी का कोई कैंडिडेट रोड शो नहीं कर पाएगा, जनसभा नहीं कर पाएगा, और जो भी मीटिंग होंगी या अपना प्रचार प्रसार होगा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या वर्चुअल मीटिंग के द्वारा किया जाएगा। आज इसी के बारे में हम बात करते हैं हमारे साथ में आरजेडी के प्रत्याशी अजय वर्मा जी। अजय वर्मा जी जानना चाहेंगे कि जो चुनाव आयोग की जो घोषणा उन पर आप किस तरह से कार्य करेंगे और जो क्षेत्र की जनता उसको प्रचार प्रसार के लिए किस संसाधन का प्रयोग करेंगे। वर्मा जी धन्यवाद प्रवीण भाई। जैसे कि माननीय चुनाव आयोग की गाइडलाइन आएगी, सभी पार्टियों को, सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक दलों को उसी हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि देश में कोरोना भी धीरे धीरे पैर दोबारा पसार रहा है, तो उस नाते सावधानी भी आवश्यक है। और मैं तो इस कदम का स्वागत ही करूँगा कि उन्होंने अधिक भीड़ जुटाने पर और अनावश्यक बल प्रयोग पर, बहुत अधिक रोड शो, रैली वैली करने पर प्रतिबंध लगाने की अपनी मंशा जाहिर की है। तो ओवरऑल यही है मेरा कहना कि जो शासन से गाइडलाइन हम लोगों को मिलेगी हम उसी पर काम करेंगे। ये थे अजय वर्मा जी हमारे साथ। इनका कहना है कि जो शासन प्रशासन या चुनाव आयोग के द्वारा जो भी गाइडलाइन दी गई है उसी का फॉलो करेंगे। लक्सर से प्रवीण सैनी, न्यूज़ 1 इंडिया।